हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज की हमारी पोएम है 9th CBSE की विंट, और यह पोएम सुब्रमण्य भारती के द्वारा कंपोज की गई है। और इस पोएम में पोएट ने एक एडवाइस दिया है कि हमें खुद को और अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम विंट को फेस कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पोएम में यह है कि पोएट ने विंट को पर्सनिफाई किया है। पर्सनिफिकेशन लिटरेचर में लिटरेरी टर्म है, साहित्यिक शब्द है। और जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो लिटरेचर में हम उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर विंड को पर्सनिफाई किया गया है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ पोएट ने उसे प्रेजेंट किया है। अब इस पोयम की हम समरी पे फोकस करें कि आखिर इस पोयम में इसकी समरी क्या है। जो हवा है वह अपने सामान्य गति से बह रही है, उसकी जो स्पीड है वह तेज होती है, और तेज स्पीड होने की वजह से वह विंडो के शटर्स को और घर के भीतर रखी हुई चीज़ों को बिखेर देती है। यहाँ तक कि पोएट के कमरे में अलमारी में जो बुक्स रखी हुई हैं वह बुक्स को और उसके पेजेस को भी डैमेज कर देती है। तो पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड से कि वह उसकी चीज़ों को डैमेज नहीं करे, लेकिन जो विंड है वह पोएट के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है, और फिर अपने साथ वह बारिश लेकर के आती है। अब जो पोएट की प्रॉब्लम है वह डबल हो जाती है। पहले केवल विंड से उसकी प्रॉब्लम थी, अब बारिश की वजह से भी उसकी जो प्रॉब्लम है वह बढ़ जाती है। तो पोएट को ऐसा लगता है कि जो विंड है वह कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है और उसे खुशी महसूस होती है। अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के कहने का मतलब यह है कि जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती है, चाहे वह टूटे हुए मकान हो, ढलान वाली शहतीर हो, डगमगाती हुई दीवारें हों, कमज़ोर दरवाजे हों, टूटे दिल के लोग हों, बीमार लोग हों, या फिर कोई ओल्ड एज का पर्सन हो, इन लोगों को विंड ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि अगर हमें विंड को फेस करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हमें अपनी चीज़ों को भी विंड के अकॉर्डिंग स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पोएट ने एक और बात कही है कि जो यह विंड है वह अगर आग की लपटें धीमी होती है तो उसे तुरंत बुझा देती है, और जब आग की लपटें तेज होती है तो वह उन लपटों को और तेज़ कर देती है। तो यह जो पोयम है विंड, इस पोयम में पोएट ने विंड को पर्सनिफाई किया है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रूप में प्रेजेंट किया है। अब इस पोयम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, एक बार हम उसको देख लेते हैं कि इस पोयम में इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हुई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है पर्सनिफिकेशन, यानी मैंने आपसे कहा था कि इस पोयम को पर्सनिफाई किया गया, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। दूसरी बात है डैमेज बताई गई है, मतलब किस तरीके से विंड कमज़ोर चीज़ों को डैमेज करती है। रिक्वेस्ट, पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड से कि आप चीज़ों को, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें डैमेज ना करें। ब्रिंग्स रेन, यह विंड है अपने साथ हैवी रेन लेकर आती है, और फिर पोएट की जो प्रॉब्लम है वह डबल हो जाती है। फील्स हैप्पी, डैमेज करने के बाद पोएट को ऐसा लगता है कि जो विंड है उसे खुशी महसूस होती है जब वह कमज़ोर लोगों को डैमेज कर देती है। ऑब्स्टिनेट, अकॉर्डिंग टू पोएट द विंड इज ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी, हवा जिद्दी है। उसके कहने का मतलब यह है कि पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो विंड है वह पोएट के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही है। फायर, हवा अगर आग की लपटें कमज़ोर होती है तो उसे बुझा देती है, और आग की लपटें अगर तेज होती है तो हवा उसे और तेज़ कर देती है। इक्वल टू विंड, लास्ट में इस पोयम में पोएट ने हमें एक मैसेज दिया है कि अगर हमें विंड को फेस करना है तो हमें अपने आप को और अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम विंड को फेस कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की पोएम थी विंड, जिसे कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती ने। तो आई होप कि यह पोएम आपको अच्छी लगेगी।
कीप कमेंटिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. दिस इज विनीत श्रीवास्तव.